हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबों का हमारे YouTube चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जब मैं ज्योमेट्री पार्ट पढ़ाऊंगा तब मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, ताकि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद हो सके और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी ये फायदेमंद हो सके। तो आइए हम दोनों तरीके से इसको सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1, ये जो ज्योमेट्री का पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। आइए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ए बी और सी डी, ये जो लाइन है ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अर्थात प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये एंगल एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, ये दिया हुआ है कितना, दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है। और दिया हुआ है क्वेश्चन बी ओ डी, ये जो क्वेश्चन बी ओ डी, ये भी दिया हुआ है 40 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये एंगल ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री है। अब ये पता नहीं चल रहा है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं यहां से। सिंस लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ, इसको हिंदी में बोलते हैं क्योंकि रेखा ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए क्या होगा, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी दोनों इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, तो इसीलिए ये ए ओ सी भी हो जाएगा 40 डिग्री। अब फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये एंगल एंगल ए ओ सी और ये एंगल एंगल बी ओ ई, ये दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, तो उसी को हमने यहां लिखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। और ये ए ओ सी का वैल्यू हमने यहां निकाल के रखा है, पहले ही 40 डिग्री है, इसलिए ए ओ सी का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ये कहाँ से लिया, हमने इक्वेशन 1 से लिया, इसीलिए इसको लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 1 से। और एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या हो गया, ये जो 70 डिग्री है, अब ये जो लेफ्ट का 40 डिग्री है ये राइट में आ जाएगा, तो ये माइनस 40 डिग्री हो जाएगा और बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब क्या करना है, हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल सी ओ ई, अब ये वाला एंगल निकालना है एंगल सी ओ ई। तो अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट एनी पॉइंट इज 180 डिग्री। आइए इसको हिंदी में भी देखते हैं। क्योंकि एक सरल रेखा के एक ही ओर किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां क्या है, यहां पर ये लाइन AB पर तीन एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। मान लीजिए यहां पर तीन एंगल नहीं, यहां पर चार एंगल यदि बनता है, तो इस चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए क्या किए हैं, यहां पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180
80 डिग्री होगा, उसी को हमने लिखा है। अब क्या किया है, एंगल AOC और एंगल ये BOE जो है इसको एक साथ रख दिए और ये प्लस एंगल COE को इधर अलग कर दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये AOC प्लस BOE ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, AOC प्लस एंगल BOE ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और हम लोग एंगल AOC प्लस एंगल BOE के बदले में लिख दिए क्या 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन इन क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है 70 डिग्री ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसीलिए इसको हमने लिख दिया गिवन इन क्वेश्चन। अब क्या है, एंगल COE इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और इधर का जो 70 डिग्री प्लस में ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो अब ये जो निकल गया ये एंगल COE ये कितना हो गया, अब ये हो गया ये 110 डिग्री। अब क्या हम लोग को निकालना है, पहला तो ये निकालना था, तो ये तो हम लोग निकाल लिए BOE, अब निकालना है हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल COE, ये वाला निकालना है COE, ये वाला निकालना है COE। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE अर्थात प्रतिवर्ती कोण जो है COE, तो ये हुआ प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल, ये हुआ ये 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 इतना बड़ा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चूंकि एक पॉइंट पर जो होता है वह 360 डिग्री का एंगल बनता है, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर रिफ्लेक्स एंगल COE में 360 डिग्री में एंगल COE को माइनस कर देंगे, होने से क्या होगा ये पूरा एंगल निकल जाएगा। तो यहां क्या किया हमने, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। अब क्या किया, और रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये 110 डिग्री कहां से आया, ये इक्वेशन 2 से आया, ये इक्वेशन यहां से, ये इक्वेशन 2 से आया, क्यों, क्योंकि यहां एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री हमने पहले ही निकाल रखे हैं, तो इसीलिए यहां पर हो गया 110 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री में 110 डिग्री माइनस कर दिए तो हो गया 250 डिग्री। तो क्वेश्चन में दो एंगल के बारे में पूछा है, हेंस एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, यहां पर हमने निकाल रखा है एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन था, और सेकंड हमें हम लोग को निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। तो हमको क्वेश्चन में दो ही कोण का मान निकालने के लिए बोला गया था, एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE, यहां पर बोला गया था एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो एंगल BOE का मान निकाल दिए 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE का मान निकाल दिए 250 डिग्री। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ, इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री और ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इस दोनों का रेशियो दिया, हमको फाइंड करना है यहाँ सी दिया हुआ है क्या, ये एक्स वाई जो लाइन है और ये जो एम एन जो लाइन है ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या है, ये जो ओ पी जो है ये एंगल पी ओ वाई ये है, ये 90 डिग्री है और ए और बी का रेशियो है 2:3 है, हमको फाइंड करना है पता लगाना है कि सी का मान कितना होगा। तो आइए हम लोग सी का मान निकालते हैं, सिंस ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 ये गिवन इन क्वेश्चन, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो जब भी इस तरह का रेशियो रहेगा तो हम लोग इसको कभी एक्स मानते हैं कभी वाई मानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्स और वाई ऑलरेडी पहले से ही है इसीलिए हम लोग एक्स और वाई नहीं मान के क्या करेंगे इसको ए इक्वल टू 2k एंड बी इक्वल टू 3k इसको मान लिए, इसी को इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट एनी पॉइंट इज 180 डिग्री, इसी को हिंदी में बोल रहे हैं एक रेखा के एक ही ओर
किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल MOX प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। इसका बात कर रहे हैं एंगल MOX ये एंगल प्लस एंगल MOP ये एंगल प्लस एंगल POY इक्वल टू कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो MOX क्या है, यहाँ पर MOX B है और MOP A है, तो यहाँ पर उसी को लिख दिए A प्लस B, और ये जो एंगल POY है ये 90 डिग्री है, तो इसीलिए POY के बदले 90 डिग्री लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है, B को हम लोग लेट किए यहाँ पर, B को 3 के माने हैं तो B के बदले 3 के लिखते हैं, और यहाँ जो A को 2 के माने हैं तो A के बदले 2 के लिखते हैं, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में ही ये दिया हुआ है। अब क्या है, 3 के और 2 के दोनों को ऐड कर दिए तो 5 के हो गया, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आप क्या किया, ये जो 5 के है और ये 180 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री को हम लोग राइट साइड लाए तो ये माइनस 90 डिग्री हो गया, तो 5 के इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और के इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री बाई 5, तो 5 1 जा 5 4 बचा 5 8 जा 40, ये किससे कट हुआ, ये 5 से कट हुआ, और k इक्वल टू कितना हो गया, k इक्वल टू हो गया ये 18 डिग्री। अब क्या करते हैं हम लोग, a इक्वल टू 2 के जो यहाँ पर मान रहे हैं हम लोग a इक्वल टू 2 के एंड b इक्वल टू 3 के, अब a का और b का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a इक्वल टू 2 के है तो यहाँ पर क्या किए इक्वल टू 2 इंटू 18 डिग्री, 18 डिग्री कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये k इक्वल टू 18 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है, इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 18 डिग्री, तो 18 टू जा 36 डिग्री हो गया, एंड b इक्वल टू 3 के हम लोग यहाँ पर पहले ही मान लिया है b इक्वल टू 3 के, और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 3 इंटू 18 डिग्री, 18 डिग्री तो हमने पहले ही ऑलरेडी फाइंड कर लिया है यहाँ पर, तो ये हो गया 18 3 जा 54 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं फिर अगेन अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम, तो रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो गया, ये लिनियर पेयर बना रहा है, ये एंगल लिनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ ML लाइन पर OX किरण खड़ी है, ML लाइन पर OX किरण खड़ी है, इसीलिए लिनियर पेयर एक्सियम अर्थात रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, अर्थात एंगल MOX प्लस एंगल NOX, एंगल MOX ये एंगल और एंगल NOX ये एंगल दोनों क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री लिख दिया है, तो MOX क्या है, ये MOX B है और NOX C है, तो MOX के बदले B और NOX के बदले C लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये B का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये 54 डिग्री है, यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 54 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या किया B के बदले 54 डिग्री प्लस C, इसी को तो हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लिख दिया है हमने सिंस b इक्वल टू 54 डिग्री। अब क्या है c का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसीलिए क्या हो गया ये 180 डिग्री, ये जो प्लस 54 डिग्री है ये जब राइट साइड आ गया तो माइनस हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री और c इक्वल टू 120-60 डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। आकृति में यदि कोण PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर PRT है। आइए इसमें समझते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये PQR ये एंगल, PQR ये एंगल और PRQ ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, ये PQR ये एंगल और PRQ ये एंगल दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ करना है ये PQS ये एंगल और PRT ये एंगल भी इक्वल होगा, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। आइए गिवन में क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है PQR इक्वल टू एंगल PRQ। टू प्रूफ मीन्स सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PR
टी। अब हम लोग प्रूफ में शुरू करते हैं, प्रूफ करना, प्रूफ से प्रमाण। सिंस रे क्यू पी स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, ये जो क्यू पी रे है वो एस टी लाइन पर स्टैंड है, इसलिए लीनियर पेर एक्जियम अर्थात रैखिक युग्म अभिकृत के अनुसार क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा इसमें एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस या एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन वन बोले। अब इसी तरह क्या कर रहे हैं, इधर रे आर पी जो है वो एसटी लाइन पर खड़ी है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल प्लस पी आर टी ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसको इक्वेशन टू किए। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू में देख रहे हैं कि इसका राइट राइट साइड जो है इक्वल है, इसलिए लेफ्ट लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ हमने इक्वल कर दिया। आप क्या किए यहाँ पी क्यू एस प्लस ये जो पी क्यू आर है इसके बदले पी आर क्यू कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है, इसीलिए पी क्यू आर के बदले पी आर क्यू कर दिए, बराबर यहाँ पर पी आर क्यू के बदले पी आर क्यू ही रहने दिए, इसको कोई चेंजिंग नहीं किए, प्लस पी आर टी के बदले भी पी आर टी रहने दिए, चूंकि ये पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है, ऐसा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब क्या हुआ ये पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों कट कर गया, अब यहाँ क्या बचा एंगल पी क्यू एस और इधर बचा एंगल पी आर टी, यही तो प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स आप सबों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।